वाली। कौन सी? वीवो वाली। वीवो वाली? अच्छा वो बुक्स आ चुके हैं। मैं बनाते नहीं, मैं फेंक दूँ। अच्छा अच्छा बनाते हो। अच्छा तुमने याद दिलाई, मैं बनाते ही नहीं है। अच्छा नया बनाते हो तो अच्छा तुमने याद दिला दी, मैं तो भूल गया था अपने चैनल को। यह स्मार्टफोन जो है मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। अब मुझे नहीं पसंद तो आपको भी तो नहीं पसंद आना चाहिए ना। अब आप लोग बोलेंगे इसमें ऐसा क्या है कि मुझे नहीं पसंद, तो मैं बताता हूँ। हालांकि मैंने वीवो के बहुत सारे स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग की है, कि फिर भी मुझे याद होता है कि मैंने कौन कौन से स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग की है। ये स्मार्टफोन जो है स्पेशल तौर पर पाकिस्तान में लॉन्च किया गया है वीवो वालों ने। और सब बातों को छोड़ो, सबसे अहम तरीन बात पर हम लोग आते हैं। और सबसे अहम तरीन बात ये है, आई हो तो सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, लेकिन कोई बात नहीं, जिगरा भरा होना चाहिए। अब आप लोग कहेंगे जिगरा भरा होने के सब्सक्राइब के साथ क्या ताल्लुक, गोभी मैं बताऊंगा ना यार, करे जैसे ठंडक रखो। देखिए गाइस, जब आप लोगों का जिगरा भरा होगा तब भी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे। और ना कि जब आप लोगों का जिगरा छोटा होगा तब तो आप लोग बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं यार वीडियो में कहता भी रहता हूँ कि जिगरा भरा होना चाहिए। लेकिन वो सब बातों को छोड़ो, और अब बारी आती है इसकी प्राइस की। इसकी प्राइस इतनी है ना, कि आप लोग इसकी प्राइस के मुताबिक अपने लिए एक आईफोन भी बाय कर सकते हैं। मैं पागल हूँ। हाँ मुझे पता है आप लोगों को बहुत ज्यादा खुशी हुई। अब बताता हूँ खुशी हुई, लेकिन अब जरा गम भी डाल लो, क्योंकि इसकी प्राइस 1 लाख के आसपास हमें इसकी प्राइस देखने को मिल जाती है। और 1 लाख के आसपास में हमें आईफोन 11 नॉन पीटीए भी देखने को मिल जाता है। अब आप लोगों की मर्जी, आप लोगों ने ये बाय करना हो या आप लोगों ने नॉन पीटीए आईफोन ही बाय करना हो। अगर मेरी रिकमेंड कहूँ तो मेरी तरफ से यही कहूंगा कि आप लोग आईफोन 11 नॉन पीटीए बाय कर ले, तो वो इससे 100 गुना बेहतर रहेगा। आजकल मोबाइल फोन की प्राइस टैग इतनी ऊपर चली गई है, ना कि मेरा एक रिश्तेदार मुझे कहता है कि बासित को ये अच्छी बजट में कोई मोबाइल फोन चुके ना। मैंने कहा वो जमाना नहीं कि 20-30 हजार में हमें एक बहुत सारा अच्छी तरीन कैमरा वाला, अच्छी तरीन रैम वाला, अच्छी तरीन स्टोरेज वाला में जो स्मार्टफोन देखने को मिलता था, अब वही स्मार्टफोन जो हमें 80-90 हजार की में देखने को मिल जाता है। अब आप लोग बोलेंगे यार एक कौन सा स्मार्टफोन है जिसकी मैं इतनी लंबे लंबे किस्से करूं, तो मैं बताता हूँ ना, तो वो स्मार्टफोन है वीवो Y73। आज हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, देखेंगे वीवो वालों ने इसके अंदर क्या क्या डाला है और क्या क्या नहीं डाला। अब मैं दिखाता हूँ यार, बॉक्स किधर गया। ब्लू कलर का बॉक्स है, व्हाइट और ब्लू कलर का हमें बॉक्स देखने को मिल जाता है। ब्लू कलर का एक और बॉक्स हो केस हमें इसमें देखने को मिल जाता है, साथ में कुछ किताबें देखने को मिल जाती है, और साथ में हमें सिम एजेक्टर पिन देखने को मिल जाती है, और साथ ही साथ में हमें इसमें जो है हैंड फ्री भी देखने को मिल जाती है, और केबल हमें देखने को मिल जाती है जो कि व्हाइट कलर की टाइप सी हमें केबल देखने को मिल जाती है। आप लोगों को पता है इसमें हमें कितने वाट का चार्जर देखने को मिल जाता है? आप लोगों को नहीं पता ना यार, मैं बताता हूँ ना, इसमें जो है हमें 33 वाट का चार्जर देखने को मिल जाता है, जो कि इस प्राइस रेंज में बहुत ज्यादा फजूल है, इंतहाई तरीन फजूल में कह सकता हूँ, जो कि हमें टाइप ए के साथ देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसके डिजाइन की बात कहूँ तो डिजाइन तो है थोड़ा बहुत अच्छा है, इतना अच्छा नहीं कि मैं आप लोगों को कहूँ बहुत ज्यादा अच्छा, बस थोड़ा बहुत अच्छा है। और हाँ, इसी के अलावा इसमें जो है हमें फीलिंग बहुत ज्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है स्मार्टफोन की। डुअल सिम को ये सपोर्ट करता है। अगर मैं ये बात करूँ इसमें कौन सी डिस्प्ले हमें देखने को मिल जाती है, इसमें हमें मिलती है एमोलेड डिस्प्ले हमें इसमें देखने को मिल जाती है, जो कि 6.44 इंच की हमें इसमें डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। अगर मैं ये बात करूँ ये कौन से सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है, तो ये है Android 11। आज तक मैंने जितने भी स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग की है ना, सब में हमें Android 12 या Android 13 देखने को मिल जाता है, लेकिन फर्स्ट स्मार्टफोन है जिसमें हमें Android 11 देखने को मिल जाता है। मुझे पता है आप लोगों को सुनने में ये बात हैरानी लग रही है, लेकिन ये सच है, क्योंकि सच हमेशा कड़वा लगता है, तो वैसे झूठ कौन सा मीठा लगता है। बात तो सही है। इस स्मार्टफोन में जो है मुझे एक चीज बहुत ज्यादा पसंद आई है, इस बजट में जो है हमें जो फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है ना, वो साइड में हमें देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो फिंगरप्रिंट है वो फ्रंट डिस्प्ले के ऊपर देखने को मिल जाता है, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। और अगर फ्रंट कैमरे की मैं बात करूँ तो इसका फ्रंट कैमरा जो है मुझे 16 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, 18 या 20 वाट का होता तो ज्यादा अच्छा होता। बैक में सिंगल कैमरा देखने को मिल जाता है, और साथ में कुछ सेंसर देखने को मिल जाते हैं। अगर मेन कैमरे की बात करूँ तो मेन कैमरा मुझे इसमें मिलता है 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिल जाता है, उससे छोटा कैमरा जो है 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा देखने को मिल जाता है, और उससे छोटा कैमरा
2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा भी देखने को मिल जाता है, जो कि एलईडी फ्लैशलाइट के साथ हमें देखने को मिल जाता है। अगर मैं ये बात करूं इसमें मुझे कितनी एमएच की बैटरी देखने को मिल जाती है, इसमें मुझे 4000 एमएच की बैटरी देखने को मिल जाती है। हालांकि इस प्राइस रेंज में 5000 एमएच की आती है, लेकिन इन्होंने 4000 एमएच की बैटरी दी। मुझे नहीं पता कि क्यों, अभी ये कपड़े वाले अच्छे तरीके से जानते होंगे। और इसमें अगर मैं ये बात करूं इसमें मुझे 3.5 मिलीमीटर जैक अवेलेबल देखने को मिल जाता है। और अगर मैं इसमें कलर्स की बात करूं तो इसमें जो है मुझे 2 कलर्स अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं। अगर आप लोगों को मैं स्क्रीन में दिखाऊं तो ये कलर 2 कलर मुझे इसमें जो है अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हमें देखने को मिल जाते हैं। बिल्कुल मेरी तरह ना यार, खूबसूरत नहीं हो गया? जब मैं इतना खूबसूरत हूँ तो मोबाइल फोन तो खूबसूरत होना ही होना है ना। और इसमें जो है हमें सिर्फ एक ही वेरिएंट देखने को मिल जाता है, जो कि है 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला, यानी 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला। और अब इसके प्राइस स्टेज की बारी आती है। इसके प्राइस स्टेज जो है आप लोगों को बहुत ही ज्यादा हैरान कर देगी, क्योंकि इसके प्राइस मुझे मिलती है 89,999 रुपीज मुझे इसकी प्राइस देखने को मिल जाती है। हालांकि सिर्फ एक ही वेरिएंट इसमें देखने को मिल जाता है, तो इस एक ही वेरिएंट की इसकी प्राइस मुझे मिलती है 89,999 रुपीज मुझे इसकी प्राइस देखने को मिल जाती है। पाकिस्तानी प्राइस मुझे इसकी यही देखने को मिल जाती है। अगर आप लोगों ने और कहीं की भी प्राइस टैग जाननी है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दीजिएगा, वहां पर मुझे मैसेज कर दीजिए, आप लोगों को मैं पर्सनली भी बता दूंगा। इंडिया की हो, यूके की हो, यूएसए की हो, यहाँ तक कि जापान कोरिया तक मेरे तालुकात बहुत होते हैं यार, आप लोगों को मैं वहीं से भी दे दूंगा। भाई के तालुकात बहुत होते हैं यार, आप लोगों को मैंने कितनी बार कहा है, लेकिन आप लोग तो मेरे यकीन ही नहीं करते। तो बस आज के स्टूडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं। लाइक और सब्सक्राइब ठोक देना। तो मैं आप लोगों से मिलता हूं अगले व्लॉग में। व्लॉग कह रहा हूं यार, व्लॉग इतने बनाते हो जब अपने मुंह से व्लॉग निकल गया। आप लोगों से मिलता हूं अगली वीडियो में किसी जो टॉपिक वगैरह के साथ। तब तक के लिए बाय।